सुशांत सिंह राजपूत के केस में जहां सीबीआई इंक्वायरी से पूरा देश खुश है, लेकिन वहीं रिया चक्रवर्ती इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ, और ऐसा क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने कुछ ही वक्त पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फोटो शेयर की थी और लिखा था कि मैं अमित शाह सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो लड़की इस वक्त ये स्टेटमेंट दे रही है कि सीबीआई के अंडर नहीं आता ये केस। जी हाँ, सीबीआई का सुशांत के केस को इन्वेस्टिगेट करना इज टोटली इलीगल। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि रिया चक्रवर्ती हाल ही में उनको समन किया जाने वाला है सीबीआई के जरिए। ऐसे में रिया का कहना है कि सीबीआई की जांच सुशांत के केस में इलीगल है और ये हमारे देश के लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ देगी। जी हाँ, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जहां वो क्राइम हुआ है, जो जहां फर्स्ट रिपोर्ट हुई है ऑफकोर्स मुंबई, जब तक मुंबई की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, ऐसे कैसे सीबीआई हो सकती है। एंड दिस इज टोटली इलीगल एंड मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो यहाँ पर सवाल डेफिनेटली ये उठता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड इस बात को चीख चीख कर कह रही थी कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं चाहती हूँ सीबीआई इंक्वायरी हो, वो आज सीबीआई इंक्वायरी को इलीगल क्यों बता रही हैं? सो कहीं ना कहीं सवाल सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर खड़े होते हैं, उनके दोगलेपन पर खड़े होते हैं। आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अपडेट के बारे में, ये आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में।